हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स फ्रॉम चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। अभी तक हमने पूरी सीरीज में क्या करा, 12 लेक्चर अपलोड करे, उनमें आपको हर एक पॉइंट के बारे में बताया। अभी चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक होंगे, किस हिसाब से सब टॉपिक के ऊपर हमने वीडियो बनाया, जिनका सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आप उससे एक बार गो थ्रू होके अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट करना है तो प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके एक बार वीडियोज देखिए, फिर इस न्यूमेरिकल वाली वीडियोज पे वापस आइए, क्योंकि यहां पे हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स को डायरेक्ट यूज करेंगे। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 1, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर व्हेन एक्साइटेड फ्रॉम रेस्ट बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2×10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रेवल, द मास एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आर 9×10⁻³ kg एंड 1.6×10⁻¹⁹ कूलम रेस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन को करें तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। वी नो दैट द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज QE। कितनी फोर्स होती है हमारे पास, F is equal to QE, क्योंकि by definition of electric field is force per unit test charge। तो इससे निकाली तो हमारे पास कितनी आ गई, F is equal to QE। Now according to second law F किसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास, MA के बराबर आ जाएगा। तो MA किसकी इक्वल बराबर आ जाएगा हमारे पास, QE के। तो यहाँ से acceleration कितनी आ जाएगी हमारे पास, QE by M, ये एक्सेलेरेशन आ गई। एक जनरल फॉर्म में करा देते हैं, फिर आपको वैल्यूज पुट करके बता देंगे। वी नो दैट देयर इज अ डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे को पता है, चार्ज हमारे को पता है, मास हमारे को पता है। इनिशियली द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 0। इट मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, कितना डिस्टेंस मूव करा उसने, 6 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर व्हेन एक्साइटेड फ्रॉम रेस्ट बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी थी हमारे को कितनी थी, 2×10⁴, और उसके बाद कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रेवल, टाइम हमें निकालना है। तो कैसे निकाल लोगे, बाय यूजिंग द इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में, डिवाइडेड बाय 100 प्लस हाफ। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, QE बाय m इनटू में t स्क्वायर। यहां से t स्क्वायर कैसे निकलेगा हमारे पास, अगर इसको ऐसे ही रख दें हमारे पास, this will become 2s m upon QE and the time will become equal to under root of 2s m upon QE। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं, डिस्टेंस इज गिवन, आपको डिस्टेंस कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर, यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू मीटर बाय डिवाइडिंग 100, ये हमारे पास आ गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन, कितना है मास, 9×10⁻³ kg। दूसरा अब Q, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज गिवन, Q इज इक्वल टू 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। एंड नेक्स्ट इज E, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो गिवन, 2×10⁻⁴। आप यहां पे पुट करके टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर चलते हैं हमारे पास सेकंड क्वेश्चन पे। इन क्वेश्चन नंबर 2 देयर इज अ ट्रायंगल ऑफ 0.1 साइड 0.1 मीटर ईच। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां पे एंगल कितना बनेगा हमारे पास, 60 डिग्री। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, B एंड C if there is a charge of 10⁻⁸ coulomb on one vertex and 10⁻⁸ on another vertex। A, B और C पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसका सोल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं, एट पॉइंट A पे निकाल लेते हैं पहले। जब पॉइंट ए पे निकाल लेंगे, इसके ऊपर लेट इट बी ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, और ये कौन सा होगा हमारे पास, सेकंड पॉइंट। वी हैव टू प्लेट टेस्ट चार्ज हियर, यहाँ पे कौन सा चार्ज रखना पड़ेगा हमारे को, टेस्ट चार्ज। दिस पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल रिपेल ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगी इसकी, अगर ए पॉइंट पे बात करें। दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इस हिसाब से बनेगा हमारे पास, दिस इज पॉइंट वन, पॉइंट टू, यहाँ पे चार्ज कितना है, 10⁻⁸ कूलम पॉजिटिव, 10⁻⁸ कूलम नेगेटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहाँ से डिस्टेंस 0.05 और इधर से भी डिस्टेंस 0.05। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा जाएगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट की वजह से इस तरफ। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगी अट्रैक्ट करने की वजह से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएंगी, E1 प्लस E2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी हमारे पास, E1 प्लस E2। होप आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, ये तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट करके फटाफट से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे पास। नाउ एट A की बात कर रहे हैं, E1 की बात करते हैं, इट इज इक्वल टू K, चार्ज कितना है हमारे पास, 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, 0.05। कितना डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, 0.05 इसका
स्क्वेयर. नाउ के की वैल्यू 9 इंटू 10 रेस टू पावर 9 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 8, इसका क्या हो जाएगा 25 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 4. दिस विल बिकम 9 अपॉन 25 इंटू 10 रेस टू पावर 5, दैट इज 3.6 इंटू 10 रेस टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम. दिस इज E1. सिमिलरली E2 भी इतना ही होगा, 3.6 इंटू 10 रेस टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम. क्यों होगा E2? अब बात करते हैं हमारे पास E2 की. K चार्ज कितना है हमारे पास सेकंड पॉइंट पे भी, 10 रेस टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस उसका भी कितना है 0.05 उसका स्क्वायर हो जाएगा. दोनों की वैल्यू सेम है तो ये भी कितना आएगा 3.6 इंटू 10 रेस टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम. अब जब दोनों बराबर आ गए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, E1 प्लस E2. जब ऐड करोगे तो क्या होगा, 3.6 प्लस 3.6 इट विल बिकम 7.2 इंटू 10 रेस टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम एट पॉइंट ए. ए पॉइंट पे कितनी आ गई 7.2 इंटू 10 रेस टू पावर 4 कूलम. अब बात करते हैं किस पॉइंट पे, बी पॉइंट की तरफ. होप आपने नोट कर लिया होगा, एक बार फटाफट से नोट कर लिए फिर हम बी पॉइंट पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. चलिए देखते हैं बी पॉइंट पे. अब तो एट बी पे देखते हैं हम बी पॉइंट कैसे, डायग्राम उधर ही बनाएंगे हम इसका और इसको कैलकुलेशन इसकी यहाँ पे कर लेंगे. ये बी पॉइंट था आपका. नाउ दिस इज पॉइंट वन एंड एट पॉइंट वन देर इज अ चार्ज ऑफ 10 रेस टू पावर माइनस 8 कूलम. एट पॉइंट टू देर इज अ चार्ज ऑफ माइनस 8 10 रेस टू पावर माइनस 8 कूलम. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.05 मीटर और ये टोटल डिस्टेंस कितना है 0.1 मीटर, क्योंकि 0.05 और 0.05 कितना हो जाएगा हमारे पास 0.1. तो अब यहाँ से ही कैलकुलेशन होगी डिस्टेंस की. वी हैव टू प्लेस अ टेस्ट चार्ज हियर, दिस पॉजिटिव देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर. इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट की वजह से रिपेल होगी और सेकेंड की वजह से क्या होगी, अट्रैक्ट. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी इनकी, E1 माइनस E2. वाई E1 माइनस E2, E1 का डिस्टेंस कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ज़्यादा होगी और इसका डिस्टेंस ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक, अब बात करते हैं E1 की. E1 इज K, चार्जेस 10 रेज टू पावर माइनस 8, द डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम B इज 0.05 इसका स्क्वायर हो जाएगा. 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 4. द E1 विल बिकम अगेन 3.6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 4 कूलम, सॉरी 10 रेस टू पावर 4 कूलम. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड यू टू डू वन थिंग, डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा इसका 0.15 का, तो क्या होगा K इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ सेकेंड फ्रॉम बी. बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, सेकेंड की वजह से डिस्टेंस विल बिकम 0.15 इसका स्क्वायर. ठीक, तो इट विल बिकम 9 इंटू 10 रेस टू पावर 9 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 225 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 4. दिस विल बिकम इक्वल टू 4 इंटू 10 रेस टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम. ये E2 की वैल्यू आ गई आपकी. ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड. आपको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना ये देखना पड़ेगा हमारे को. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भी 36 इंटू 10 रेस टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ये भी यहाँ से लिख सकते हैं. अब E1 बड़ा है हमारे पास और E2 छोटा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी आपके पास, E1 माइनस E2. और अगर E1 माइनस E2 कर रहे हो, 36 माइनस 4 करोगे कितना आ जाएगा, 32 इंटू 10 रेस टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम. और ये किस तरफ आएगा देख सकते हो, E1 किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ. दोनों सी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी, नेट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगी उसी तरफ, तो कैसे कह सकते हो आप, टूवर्ड्स लेफ्ट. किस तरफ आएगी हमारे पास, लेफ्ट की तरफ. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट. अब एक पॉइंट रह गया हमारे पास सी. ए पे हमने निकाल ली, वो हमने कैलकुलेट करके आपको बता दी, फिर बी पे बता दी. अब चलते हैं सी की तरफ, सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी हमारे पास. तो एट सी पे नाउ फिर से डायग्राम उस तरफ बना रहे हैं आप, एक बार डायग्राम को ध्यान से देखिए. देयर इज टू चार्जेस, दिस इज पॉइंट वन एंड दिस इज पॉइंट टू. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें. यहाँ पे चार्ज कितना है 10 रेस टू पावर माइनस 8 कूलम का, और यहाँ पे माइनस 10 रेस टू पावर माइनस 8 कूलम का. और यहाँ पे हमने एक चार्ज रख दिया Q. टेस्ट चार्ज रखना है सी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. एंगल कितना है हमारे पास 60 डिग्री. ये पॉइंट कितना है 0.1 मीटर, ये 0.1 मीटर डिस्टेंस दे रखा था. दिस पॉजिटिव एंड पॉजिटिव दे विल रिपेल ईच अदर. दिस पॉइंट इज E1. दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर. अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है. और अगर इसको रिजॉल्व करें, इसका साइन जैसे इक्विटोरियल पॉइंट पे करा था, साइन कॉम्पोनेंट ये देखिए इस हिसाब से आएगा. E1, E2, E1 को रिजॉल्व करके 60 डिग्री,
E1 cos 60, और इधर भी 60 डिग्री, इधर कितना आएगा E1 sin 60 डिग्री, और नीचे की तरफ भी E2 sin 60 डिग्री, और इस तरफ E2 cos 60 डिग्री। इन दोनों को रिजॉल्व कर लिया। नाउ एज द डिस्टेंस ऑफ बोथ दी इलेक्ट्रिक फील्ड्स या बोथ दी पॉइंट्स आर इक्वल, तो E1 एंड E2 आर इक्वल, दैट इज इक्वल टू k 10^-8 डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर, 9 × 10^9 इंटू 10^-8 डिवाइडेड बाय 10^-2। तो दिस विल बिकम 9 × 10^3 न्यूटन पर कूलम, बोथ आर इक्वल टू 9 × 10^9, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी सेम। नाउ दिस कंपोनेंट विल गेट कैंसल्ड, ये कैंसिल हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, E1 + E2 cos 60, या दोनों बराबर ही है, ट्वाइस ऑफ E1 cos 60 कर सकते हो, और किधर आएगी, टूवर्ड्स राइट की तरफ, किस तरफ आएगी, राइट की तरफ, देख सकते हैं आप राइट की तरफ है। तो हम यहां से क्या होगा, 2E1 की बात करते हैं, E1 इज 9 × 10^3 एंड cos 60 इज 1/2, तो आंसर विल बी 9 × 10^3 न्यूटन पर कूलम टुवर्ड्स राइट, ये राइट की तरफ आ गई। अब करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ये दो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, अब फ्यू क्वेश्चंस मोर, अगर और क्वेश्चन है वो कुछ एक डिस्कस कर लेते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नाइन क्वेश्चन नंबर 3, S1 एंड S2 आर टू स्फीयर एनक्लोजिंग चार्ज क्यू एंड 2Q एज शोन इन द फिगर, ये फिगर में बता रखा है, देयर इज S1 इज अ स्फीयर ऑफ कैरिंग अ चार्ज क्यू एंड S2 इज अ स्फीयर कैरिंग अ चार्ज 2Q, फाइंड द रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। नाउ बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास ये, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम फ्लक्स थ्रू S1, अगर S1 से फ्लक्स निकालना है 1/ε0, चार्ज कितना है उसके अंदर, Q। नाउ सेकंड से फ्लक्स निकालना है 1/ε0, और इसके अंदर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास, Q + 2Q, इट विल बी 3Q/ε0, ये दोनों से फ्लक्स आ गया, बट हमें क्या निकालना है, इसका रेशो। तो रेशो के लिए क्या करोगे, फ्लक्स थ्रू S1 / फ्लक्स थ्रू S2, इट विल बी Q / ε0 डिवाइडेड बाई 3Q / ε0, कैंसिल हो गए, Q / 3Q, दिस इज इक्वल टू 1/3, आंसर इज 1:3 ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक, नाउ इन द सेकंड पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, इन सेकंड पार्ट हाउ विल द फ्लक्स थ्रू S1 चेंजेस, इसका फ्लक्स कैसे चेंज होगा, इफ अ मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द स्पेस इन साइड S1, अगर इसके अंदर मीडियम डाल दिया जिसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना था K, यू नो दैट the flux through S1 is 1/ε0 Q. Now this ε0 will change with change in medium. Medium के change होने से change हो जाएगा. K is equal to ε/ε0. अगर हम बात करें यहाँ से epsilon की, it will be equal to K times of ε0. ये तो था vacuum में. अगर हम medium की बात करें, medium में हमारे पास क्या हो जाता है, 1/ε total charge. 1/ε total charge. Epsilon की जगह क्या आ जाएगा, K times of ε0 charge, 1/K Q/ε0, which is the flux in vacuum. So flux in medium is equal to 1/K, the flux in vacuum. It means vacuum or air. It means the flux will decrease by the factor of K. Kitne se decrease ho jayega? K se. And the third part, how will the flux through S1 changes? S1 ka flux kaise change hoga? Agar humne medium kiske andar dala? S2 ke andar. To S2 ke andar medium dalne se, there is no change in the flux through S1. To third part ka answer, no change in the flux. क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने मीडियम किसके अंदर डाला है, S2 के अंदर, और फ्लक्स किसका पूछा हमने, S1 से। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CBSE, CBSE से रिपीटेड क्वेश्चन आई है हमारे पास, क्योंकि ये CBSE में आया हुआ है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, इतना आप ये क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नाउ दिस क्वेश्चन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CBSE, बहुत बार रिपीट हुआ हुआ है क्वेश्चन, और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। The electric field components are electric field along x is 500 × 1/2 and electric field along y is 0 and electric field along z is 0. Y axis और z axis में electric field नहीं है, सिर्फ electric field x के along है, और वो भी distance के साथ change हो रही है। It means at this face there is a different electric field and at this face there is a different electric field. दोनों face पे different electric field होगी। हमें क्या करना है, find the electric field through the cube. Cube के अंदर से electric field निकालनी है and the charge enclosed by the cube, और charge निकालना है उसका। You know that इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, लेट इट बी यहां पे E1 होगी, और इस साइड भी इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड E2, लेकिन हमें निकालना है इसका फ्लक्स। फ्लक्स इज EA cos थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल वेक्टर, किस किस के बीच का एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, ये फेस है इसका परपेंडिकुलर किस तरफ बनेगा, इस तरफ, ये नॉर्मल वेक्टर आ गया। अब इसकी बात करें इसका नॉर्मल वेक्टर किस तरफ बनेगा, पीछे की तरफ, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर, दिस इज फेस वन एंड दिस इज फेस टू। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग है, गिवन है, नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये इसके परपेंडिकुलर इस तरफ और इसके परपेंडिकुलर कहां होगा, पीछे की तरफ। नाउ फ्लक्स एट फर्स्ट सरफेस निकालते हैं, क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड E2, फर्स्ट सरफेस, इसको सेकंड ले लेते हैं सॉरी, और ये हमारे पास क्या हो गया फर्स्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट फर्स्ट सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1 एंड नॉर्मल वेक्टर इज इन सेम डायरेक्शन, EA cos 0 बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0 बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू नॉर्मल वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो cos 0 कितना होगा 1, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा E1A, कितना आएगा हमारे पास E1A। नाउ सेकेंड का फ्लक्स निकालना, हमने सेकेंड की इलेक्ट्रिक फील्ड E2, एरिया A, एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग X एंड नॉर्मल वेक्टर इज इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की तरफ है। थीटा कितना होगा हमारे पास 180 एंड cos 180 इज -1, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो फ्लक्स कितना होगा माइनस ई टू ए एंड नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 51 प्लस 52 बिकॉज फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी E1 A माइनस ई टू ए। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास E1 माइनस ई टू इन टू में A, ये आपके पास फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। अब E1 कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, E1 की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाल रहे हैं, इसका डिस्टेंस कितना है x एक्सिस के लॉन्ग A प्लस दिस A, E1 के लिए डिस्टेंस कितना है 2A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट कर देते हैं, कितना होगा हमारे पास 500 इंटू 2A इसकी पावर 1/2, 500 इंटू 2A इनकी पावर 1/2। उसके बाद E2 की बात करते हैं, E2 कितना होगा हमारे पास, E2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, दिस इज 800, यू कैन डू इट एज 800, आप इसको 800 कर लो एक बार, 800 इसकी पावर 2A की पावर 1/2। अब यहाँ से E2 के लिए डिस्टेंस कितना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए A, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारे पास 800 A की पावर 1/2, तो इधर पुट करते हैं हमारे पास, और एरिया कितना होगा साइड स्क्वेयर, क्योंकि क्यूब था तो दिस इज इक्वल टू 0.1 इंटू में इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अगर इधर पुट करें वैल्यू, एरिया इज 0.1 का स्क्वायर, और E2 कितना, E1 कितना हमारे पास 800 इंटू 2A की पावर 1/2 माइनस 800 इंटू A की पावर 1/2। बाई कैलकुलेटिंग A की वैल्यू आपको पता है कितनी है 0.1 मीटर, बाई कैलकुलेटिंग दिस द फ्लक्स विल बिकम इक्वल टू 1.05, कितना आ जाएगा हमारे पास 1.05, और इसके जो यूनिट होगी वो क्या होगी हमारे पास न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर, पर कूलम इनटू में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपका फ्लक्स आ गया। नाउ फ्लक्स के बाद अब आपने कैलकुलेट क्या करना है हमारे पास, सेकंड पॉइंट, चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू में चार्ज, तो चार्ज कितना आएगा 5 इंटू में ε0 एंड द वैल्यू ऑफ ε0 इज 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -12। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो, अगर हमने आज कुछ एक क्वेश्चन करे जो एक CBSE के रिपीटेड क्वेश्चन थे, तो नेक्स्ट अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।